बंडलागुड़ा पुलिस आउटपोस्ट के पीछे चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन की नई इमारत तामीर की गई है, जिसका इफ्तिताह रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों अमल में आया। इस मौके पर तेलंगाना DGP एम महेंद्र रेड्डी, IPS रुकने पार्लिमान हैदराबाद और MIM सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सुरभि वानी देवी MLC, सैयद अमीनुल हसन जाफरी MLC, तेलंगाना पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के डॉक्टर रमा राजेश्वरी IPS, बंडलागुड़ा तहसीलदार फरीन शेख, एरिया कॉपरेटर्स अब्दुल वहाब, मिर्जा सलीम बेग, फहद बिन अब्दाब, मोहम्मद हाफिज, अब्दुल रहमान सीनियर पुलिस ऑफिशियल और एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक अनिल कुमार IPS, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS, एडिशनल कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान, DCP साउथ जोन डॉक्टर गजाराव भोपाल के अलावा पुलिस के आला और दीगर अफसरान शामिल थे। केशवागिरी में निज़ाम के ज़माने की पुरानी इमारत खस्ता हालत में थी और जगह की भी खिल्लत थी, जिसके पेश नज़र वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर बंगलागुड़ा रोड पर चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन की इमारत तिबी सहूलियात के साथ बनाई गई। नए पुलिस स्टेशन में पुलिस अहदेदारों के लिए स्पेशियस बैरिकेड, इंटरोगेशन रूम, स्टोर रूम, लॉकअप्स और इंस्पेक्टर रैंक्स के अहदेदारों के लिए ऑफिस रूम्स है। आइए देखते हैं रूबरू न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात। हर अहम और ख़ास खबर के लिए रूबरू न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। हमारी स्टेट सरप्लस पावर में सफर साबेरा में 3-3 दिन इंडस्ट्रीज हॉलीडेज दिए जाते थे, क्योंकि करंट का शॉर्टेज था, रोज ब्रेकडाउन हुआ करता था। पर आज हमारे पास कभी कोई फार्मर्स को एक घंटा करंट नहीं बंद होता है, 24 घंटे करंट फ्री दिया जाता है और घरों में भी कभी ब्रेकडाउन नहीं होता है, करंट में हम लोग सरप्लस हो सके। उसी तरह हमारे किसान सारे हिंदुस्तान में अगर इस वक्त सबसे खुशहाल है तो हमारे किसान है। किसानों को रैतु बंधु स्कीम दी जाती है, हर एकड़ पर 10,000 रुपए दिए जाते हैं ताकि वो उस 10,000 से अच्छी तरह काज करे। और आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे तेलंगाना स्टेट का प्रोडक्शन 3 करोड़ टन है, धान का जो प्रोडक्शन है 3 करोड़ टन है, जबकि तेलंगाना बनने के बाद 60 टन के बराबर था, आज 4 गुना इजाफा हो चुका है। उसके लिए हमारे CM साहब ने रात दिन किसानों को खुशहाल देखने के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया और ताकि लोगों में एक बहुत बड़ा शौक पैदा हो और उनके साथ पुलिस हमेशा प्यार और मोहब्बत से रहते थे, उनके मसायल हल करें, ये हमारी यही ख्वाहिश है। मैं इस तरह आज के पुलिस स्टेशन पर खासतौर से हमारे MP साहब को, MLA साहब को, तमाम हमारे इस इलाके में रहने वालों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जब आप पुलिस स्टेशन आते तो एक सिचुएशन ऐसा आता है कि जिस तरह आप अच्छा एक 5-स्टार होटल में जा रहे हैं या एक बड़ी जगह कहीं जा रहे हैं, वहीं से पुलिस स्टेशन बनाना चाहते हैं। CM साहब का यही इरादा है कि तेलंगाना एक सेफेस्ट सिटी, कोई भी आकर यहाँ का पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए बढ़ रहा है, यहाँ लैंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, यहाँ इंडस्ट्रीज आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं, यहाँ पर लैंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से हमारे DGP साहब, कमिश्नर साहब और तमाम पुलिस अधिकारियों को मुबारकबाद देता हूँ, मुझे जवाब दिया गया उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय। थैंक यू। Thank you.